ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 21 अगस्त 1968। बेहद के बच्चों को बेहद का बाप समझाते हैं। समझाने वाला बाप भी बेहद का है, बच्चे भी समझने वाले बेहद के हैं, हद की बुद्धि वाले नहीं है। कोई लौकिक बाप ऐसे अपने बच्चों से नहीं कहेंगे, उनको तो करके 5-7 बच्चे होंगे। यहाँ तो जो भी आत्माएं हैं सब आपस में ब्रदर्स हैं। आत्मिक स्थिति में स्थित होने की बात है, तो ऐसे आत्मिक स्थिति में स्थित होने वालों का जरूर बाप भी होगा। कहते भी हैं कि हम सब भाई भाई हैं, वो तो सब के लिए कहते हैं। जो भी आवेंगे उनको ही कहेंगे कि हम सब भाई भाई हैं। फिर उनमें भी जो साथ साथ पड़े हुए होंगे वो भी समझते हैं कि हम भाई भाई हैं। अब ड्रामा में तो सब बंधे हुए हैं, जिनको कोई नहीं जानता है, और ये ना जानना भी ड्रामा में नूर है। तो जो बात ही आकर के सुनाते हैं, कथाएं आदि जब बैठ करके वो सुनाते हैं, तो कहते हैं परमपिता परमात्मा ही नमः। परंतु वो कौन है वो तो जानते ही नहीं। कहते हैं ब्रह्मा देवताई नमः, विष्णु देवताई नमः, शंकर देवता, परंतु उनका कहना समझ के अनुकूल नहीं है। वास्तव में ब्रह्मा को तो देवता कहेंगे ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मा की तो पूजा ही नहीं होती है, मंदिर भी नहीं होते हैं, और कोई मूर्तियां भी नहीं बनाते हैं। हाँ, देवता विष्णु को कहा जाता है, ब्रह्मा को तो दाढ़ी मूछ दिखाते हैं। दाढ़ी मूछ भिखारी मनुष्यों को दिखाई जाती है, विष्णु को दाढ़ी मूछ नहीं दिखा देंगे। कहते हैं ब्रह्मा सो देवता विष्णु, ऐसे नहीं कहते विष्णु सो ब्रह्मा। ये इस समय की बात है, संगम युग में पुरुषार्थ परिपूर्ण होने पर ब्रह्मा भी देवता बन जाता है। विष्णु की तो है विजयमाला,
ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे। हाँ, ब्रह्मा को भी ब्राह्मण ही कहेंगे, न कि देवता। तो देखो, ब्रह्मा का ही किसी को पता नहीं है, विष्णु देवता कहना ठीक है। शंकर का तो कुछ भी पार्ट नहीं है। उनको तो बैठे बैठाए ध्यानमग्न दिखाया जाता है। अब अठाले बैठना ये कोई पार्ट हुआ क्या? पार्ट तो कर्मेंद्रियों की हलन चलन से बजाया जाता है। कम से कम आंख की हलन चलन भी तो देखने में आवे, वो भी नहीं। जैसे कि जड़बत, तो कहेंगे कि शंकर का कोई पार्ट नहीं है। पार्ट रंगमंच पर बजाया जाता है, फिर कहेंगे उनकी बायोग्राफी भी नहीं है। सुने की? और शिव बाबा की है? शिव बाबा की बायोग्राफी है या नहीं है? लो सब चुप। अरे सारा पार्ट कौन बजाता है? शिव बाबा ही तो सारा पार्ट बजाता है। तो जो पार्ट बजाता है उसकी बायोग्राफी नहीं कहेंगे? ऐसा ना, रुकने की क्या बात है? अरे समझाते हैं ना, शिव शंकर एक है या दो हैं? है? आत्माएं पार्ट बजाने वाली होती है ना, तो पार्टधारी आत्माएं दो हैं या एक है? दो है। एक पार्ट नहीं बजाती है। याद में रहना, ध्यान मग्न रहना, ये कोई पार्ट हुआ क्या? पार्ट तो कर्मेंद्रियों से बजाया जाता है। तो शिव बाबा पार्ट बजाते हैं, उनकी बायोग्राफी है। शंकर की कोई बायोग्राफी नहीं है। वो तो आते ही हैं पतितों को पावन बनाने के लिए। कौन? शिव बाबा। शंकर के लिए नहीं कहेंगे क्या कि वो पतितों को पावन बनाने वाला है? जो भी मनुष्य मात्र हैं, वो पतितों को पावन बनाने वाले हैं या खुद ही पतित होने वाले हैं? खुद ही पतित होने वाले हैं। जो खुद ही पतित होने वाले हैं, वो दूसरों को पावन कैसे बनावेंगे? तो शंकर को पतित पावन भी नहीं कह सकते। हाँ, शिव बाबा है पतितों को पावन बनाने वाला। आते हैं नई दुनिया की स्थापना करने, कहा ही जाता है शांति धाम। फिर बनता है अशांति धाम। जब अशांति धाम बनता है तो शरीर तो सबके खलास होंगे ना, कि रह जाएंगे?
है, पुराने तमो प्रधान शरीर है, पुरानी दुनिया में सबके खलास होंगे ना। हाँ, नई दुनिया में तो सिर्फ होंगे ही तुम, जो भी मुख्य धर्म है उनको तुम ही जानते हो। सभी के तो नाम नहीं ले सकेंगे, मुख्य मुख्य के नाम लिए जाते हैं, क्योंकि टारटारियां छोटी छोटी बहुत हो जाती हैं, ढेर के ढेर मठपंत हो जाते हैं। पहले पहले तो है डीटीज्म, देवी देवताएं, फिर कौन है, है? देवी देवताओं के बाद फिर है, वो देवी देवता नहीं है, वो भी तो सेमी देवी देवता है। हाँ, इस्लामिज्म, ये बातें सिवाय तुम बच्चों की और कोई की बुद्धि में नहीं है। पहला नंबर किसका हुआ, देवी देवताओं का, देवी देवता सनातन धर्म। फिर दो नंबर है इस्लामिज्म। अभी जो देवी देवता सनातन धर्म था वो प्रायः लोप हो गया है, इसीलिए बनियन ट्री का मिसाल देते हैं। कब से ये बनियन ट्री का भी मिसाल देना कब से शुरू हुआ है, द्वापर के आदि से है? अरे द्वापर के आदि में ही देवी देवता सनातन धर्म लोप हो जाता है, या प्रायः लोप हो जाता है, वहां तो प्रायः लोप नहीं होता। तो जब प्रायः लोप होने की नौबत आती है तब ही ये मिसाल कायम होता है, ड्रामा प्लान अनुसार। कौन सा, बनियन ट्री, सारा झाड़ तो खड़ा हुआ है, बाकी फाउंडेशन है नहीं। वो फाउंडेशन प्रायः लोप हो जाती है कलयुग अंत में ही। कलयुग आदि में भी तो सत्व प्रधानता होती है या तमो प्रधानता होती है, वहां भी सत्व प्रधानता होती है। सबसे बड़ी आयु होती है बनियन ट्री की। तो इसमें से माने बनियन ट्री में से बड़ी से बड़ी आयु कहेंगे देवी देवता सनातन धर्म की। जिसका फाउंडेशन प्रायः लोप हो जाता है, प्रायः मन बहुत करके लोप हो जाता है, फिर भी खुदाई करें तो कहीं न कहीं मिलेगा जरूर। रिसर्च करने की बात है, बनियन ट्री का ही मिसाल क्यों देते हैं, और पेड़ों का मिसाल क्यों नहीं देते। पीपल का वृक्ष भी तो पुराना होता है,
क्योंकि बनियन ट्री में ये खासियत है कि उसकी जड़ें वहां तक मिलेंगी जहां तक नमी होगी। पानी होगा तो जड़ स्थाई रहेगी, पानी नहीं होगा तो जड़ सड़ जाती है। इसीलिए पुराने जमाने में कुएं आदि बनाए जाते थे, तो कुएं के नीचे जो गोल दीवाल का फाउंडेशन होता है वो दूध वाले पेड़ का डाला जाता था, जिसकी लकड़ी में दूध होता था। हरी लकड़ी जिसमें दूध भरा हुआ है वो फाउंडेशन में नीचे चला गया जहां पानी ही पानी रहता है, तो वो लकड़ी सड़ जाती होगी या ज्यों की त्यों बनी रहती है? ज्यों की त्यों बनी रहती है। ये भी देवी देवता सनातन धर्म का ऐसा फाउंडेशन है जहां ज्ञान जल की बहुतायत तो नहीं रहती, परंतु ये भी नहीं कहेंगे कि लोप हो गया। कुछ न कुछ सच्चाई रूपी ज्ञान रहता जरूर है। तो कहेंगे कि प्रायः लोप होता है, जब प्रायः लोप हो जाता है तब ही बाप एक धर्म की स्थापना करते हैं और अनेक धर्मों का विनाश कराते हैं। इसलिए त्रिमूर्ति गाया हुआ है। बातें तो दो ही हुई, स्थापना और विनाश, तो दो मूर्ति होनी चाहिए, फिर तीसरी मूर्ति क्यों? स्थापना भी होती है, फिर स्थापना प्रत्यक्ष तब होती है जब तमो प्रधानता का समूल विनाश हो जाए और जो सतो प्रधानता बाकी बचती है वो कायम रखने के लिए सृष्टि में जो स्त्री और पुरुष का सामंजस्य है, नर और मादा का सामंजस्य है, वो बनाए रखने के लिए तीसरी मूर्ति भी चाहिए, विष्णु। ये तो कहेंगे कि सृष्टि के आदि में नर और मादा में संपूर्ण सामंजस्य होता है स्वभाव संस्कारों में, फिर जन्म लेते लेते वो पावर कम होती जाती है यूनिटी की। क्यों क्यों कम होती जाती है? क्योंकि वो प्योरिटी क्षीण होती जाती है। फिर भी ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सभी धर्मों की प्योरिटी पूरी की पूरी क्षीण हो जाती है, कहेंगे? हैं? नहीं कहेंगे।
फिर भी कहीं न कहीं देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं हैं। जिनकी प्योरिटी प्राय लोप तो होती है, लेकिन कहीं न कहीं वो प्योरिटी देखने में आती है। जो बोला ब्रह्मा से क्या बनते हैं, विष्णु, कितना टाइम लगता, 1 सेकंड, भले 100 साल का संगम युग है। तो ब्रह्मा से विष्णु बनने में 100% नर और मादा में संस्कारों का मेल होने में कितना टाइम, 1 सेकंड, और फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में कितना, 5000 साल पूरा लग जाता है। उस 5000 साल में वो 100 वर्ष का संगम भी ऐड होता है कि नहीं, वो भी ऐड हो जाता है। तो कहेंगे कि तीनों मूर्तियों की जरूरत है, ब्रह्मा भी चाहिए, शंकर भी चाहिए और विष्णु भी चाहिए। तो शंकर है तो ये नहीं कहेंगे शंकर नहीं है। इसलिए मुरली में बोला, तुम बच्चे शंकर को काटो मत। क्या, अगर तुम शंकर को काटेंगे तो तुम्हें काट डालेगा। शंकर का अस्तित्व खत्म नहीं किया जा सकता, अस्तित्व तो है परंतु प्रैक्टिकल कर्म इंद्रियों से वो कोई पार्ट नहीं बजाता है। पार्ट बजाता है शिव बाप, और ब्रह्मा को विष्णु बनाता है। कैसा विष्णु बनाता है, नाम ही रखा विष्णु, विषय विकारों का जहां नाम निशान नहीं रहता, दृष्टि में भी नर और नारी के बीच कोई भी प्रकार की ऐसी विकृति नहीं रहती जो कलाओं में ह्रास हो जाए। नहीं तो सतयुग के जो आदि नारायण हैं, राधा कृष्ण हैं, उनको भी दिखाया गया है कि दृष्टि मात्र से कुछ न कुछ ह्रास होता है। वो जनरेशन परमपिता परमात्मा शिव की जनरेशन रची हुई नहीं है, है? नहीं है। किसकी रची हुई है, उनके माँ बाप की रची हुई है। लेकिन उनके जो माँ बाप की रचना है वो परमपिता परमात्मा शिव की रचना है। कैसी रचना है, जहां विषय विकार का दृष्टि मात्र में भी कोई भी नर और नारी के बीच आकर्षण नहीं रहता, माने देह भान का नाम निशान भी नहीं है। आंखें भी तो देह का हिस्सा है, नहीं है, वो भी देह का हिस्सा है। आंखों में भी अगर ऐसा कुछ जरूर आता है तो देवान कहेंगे या नहीं कहेंगे, देवान तो है। तो देवान जहां है वहां कुछ न कुछ विषय है जरूर। तो परमपिता परमात्मा आकर के ऐसी पावन सृष्टि बनाते हैं
जहां दृष्टि मात्र में भी कोई विकार नहीं रहता। इसलिए लक्ष्मी नारायण के चित्र में दो जनरेशन दिखाई गई है, एक ऊपर लक्ष्मी नारायण खड़े हुए हैं ज्ञान प्रकाश की दुनिया में खड़े हुए हैं, भक्ति में या मार्ग में भी क्या दिखाते हैं, ज्ञान प्रकाश की दुनिया की निशानी क्या दिखाते हैं है? उनका नाम ही रख दिया है नारायण, कौन सा आयन है, कौन सा घर है, ज्ञान ही उनका घर है। दूसरा कोई उनका घर नहीं है, उनकी मन बुद्धि रूपी आत्मा सदैव कहाँ रमण करती है, ज्ञान रूपी घर में। तो वो ही चित्र में दिखाया गया है, चारों ओर ज्ञान की रोशनी का वलय है, माने उनकी दुनिया ही ज्ञान की दुनिया है, और उस ज्ञान की दुनिया के बीच नर और नारी माने लक्ष्मी और नारायण के बीच जो संबंध है, दैहिक संबंध दिखाई पड़ता है, है? दिखाई भी नहीं पड़ता, नारायण अपनी मस्ती में है, सामने दृष्टि है, नारायणी अपनी मस्ती में है, दृष्टि सामने है, जैसे कि एक दूसरे को लेना देना है ही नहीं। लेकिन अगर लेना ही देना नहीं होगा तो सच्ची का कार्य आगे बढ़ेगा है? नहीं बढ़ेगा, सच्ची तो आगे बढ़ती है लेकिन उसमें देहभान का नाम निशान नहीं है, वाइब्रेशन से एक दूसरे का जो पावर है उसमें सामंजस्य हो जाता है। उसके लिए पपीते का मिसाल दिया जाता है, जैसे मीलों दूर नरदक्ष खड़ा हुआ है और मीलों दूरी पर मादा खड़ी हुई है, बीच में कहीं भी ढूंढा जाए तो ना नर मिलेगा ना मादा मिले, फिर भी वो इतनी दूर से भी अपना वाइब्रेशन खींच लेता है। पपीते क्या ही मिसाल क्यों दिया गया है? दूसरे फल का मिसाल क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि पपीता ऐसा फल है जो शरीर में किस अंग की समृद्धि के लिए बहुत फलदायी है, है? पेट के लिए, वो तो है स्थूल पपीता, और स्थूल पेट देहद की जो शक्ति है ब्राह्मणों की दुनिया की, उसमें पपीता भी सूक्ष्म है और वो बुद्ध रूपी पेट के लिए बहुत मुफीद है। क्या एकदम बुद्धि को शुद्ध कर देता है पपीता, जो फल है वो मादा में आता है या नरवृक्ष में आता है? है, मादा में आता है। नरवृक्ष में पपीता नहीं होता, फिर बीज होता होगा कि नहीं? है, बीज तो है लेकिन फल फल नहीं है। ब्राह्मणों की संगमी दुनिया में सच्ची को परिवर्तन करने के लिए
या सृष्टि की परिवर्तन परिवर्धन करने के लिए आम बीज प्रदपिता, मैं बीज बोने वाला पिता हूं, वो कौन सा बीज है? अरे ज्ञान का बीज है। तो वो ज्ञान का बीज बोने वाला जो पिता है, पिता बनकर के इस सृष्टि पर आता है, साकार में आता है कि निराकार में? साकार में आता है। साकार में ज्ञान का बीज बोता है, चाहे बेसिक ज्ञान हो और चाहे एडवांस ज्ञान हो। तो वो पपीता का नर वृक्ष हुआ या मादा वृक्ष हुआ? नर वृक्ष हुआ। लेकिन फलदाई है? फलदाई है, है? उसे खूब खा जाओ। क्या? उससे निकला हुआ ज्ञान जल रोज पियो तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, हो जाएगी। हैं? अरे चुप हो गए? हैं? बुद्धि शुद्ध हो जाएगी? बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती। उसी बीज को मादा जो वृक्ष है पपीता का, वो जब ग्रहण कर ले जो बाबा ने बोला, किसको आवाहन करना है? विजय माला के आवाहन के बगैर बुद्धि शुद्ध होने वाली नहीं है। वैसे भी बुद्धि रूपी धरणी कही जाती है ना, है? क्या कहते हैं बुद्धि को? बुद्धि रूपी धरणी है। तो धरणी भी चाहिए और बीज भी चाहिए। तो धरणी में से जो फल निकलता है वो फिर विष्णु की शक्ति बनाता है या नहीं? विष्णु की शक्ति माने नो विष एकाल, विषय विकारों का पूरा ही खात्मा हो जाता है। तो तीसरी मूर्ति भी चाहिए, पहली मूर्ति ब्रह्मा भी चाहिए, और फिर जो अति सूक्ष्म बीज है जो वाइब्रेशन से ही खींचा जाता है, क्या इतना सूक्ष्म कि जिसमें देह भान का नामो निशान नहीं है, वो भी चाहिए। तो बोला त्रिमूर्ति गाया हुआ है, परंतु त्रिमूर्ति का अर्थ नहीं समझते हैं। गाया हुआ है फिर अर्थ नहीं समझते हैं? क्या अनर्थ हो गया? अर्थ नहीं समझते हैं तो अनर्थ हुआ या सार्थक हुआ? क्या अनर्थ हुआ है? अर्थ नहीं समझते? क्या है अर्थ? है शंकर का पार्ट काट देते हैं, विष्णु का पार्ट काट देते हैं, ब्रह्मा का पार्ट रख देते हैं, जबकि मुरली में बोला है ब्रह्मा को भी ज्ञान का बीज डालने वाला कोई और था। अच्छा एडवांस में त्रिमूर्ति का अर्थ समझते हैं? जब कहते हैं त्रिमूर्ति शिव और उसके 32 गुण जो दिखाए गए हैं बेसिक में,
तो बेसिक वाले तो जो लिंग दिखाया गया है, बिंदु रखा गया है और उसमें से 32 किरणें दिखाई गई हैं, 32 गुण दिखाए गए हैं, वो तो उसका असली अर्थ नहीं समझते। हम तो समझते हैं क्या कि जो लिंग दिखाया गया है वो साकार की यादगार है और जो बिंदु दिखाया गया है वो ज्योति बिंदु जो दिखाया गया है वो सुप्रीम सोल की यादगार है और वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु जब साकार में प्रवेश होता है तब गुणों को लक्षित करता है। गुण या अवगुण साकार के बगैर भी लक्षित हो सकते हैं क्या? नहीं, साकार हो तब उसे सगुण कहें और साकार है ही नहीं तो फिर 32 गुण कहें कि निर्गुण कहें? फिर तो निर्गुण कहेंगे। तो शिव साकार में प्रत्यक्ष होता है, सगुण रूप में प्रत्यक्ष होता है, तब कहा जाता है मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। परम धाम में रह के बिंदी प्रेरणा से मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता साबित हो सकती है? नहीं हो सकती। साकार तो जरूर चाहिए। तो जो साकार का चित्र है वो चित्रित करने के लिए लिंग के रूप में दिखाया तो है, बेसिक में भी दिखाया, भक्ति मार्ग वालों ने भी दिखाया, सोमनाथ के मंदिर में भी दिखाया और उसमें बीच में, बीच में स्टार हीरा शिवबाप की यादगार भी दिखाई, परंतु अर्थ, अर्थ कोई नहीं समझते हैं। तो त्रिमूर्ति शिव का अर्थ क्या हुआ? भक्ति मार्ग में तो ब्रह्मा का चित्र रख दिया है और उसको कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, वो ही शिव है। ब्रह्मा की तीन मूर्तियां जो दिखाते हैं उसको क्या कह दिया है? त्रिमूर्ति शिव। जैसे भक्ति मार्ग में गलती की वैसे बेसिक में भी गलती की। क्या गलती की? कि जो त्रिमूर्ति का चित्र है उसमें जो चेहरा है वो ब्रह्मा बाबा का दिखा दिया तीनों जगह, कह दिया त्रिमूर्ति शिव, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ब्रह्मा तो अधूरा है, ब्रह्मा तो मृत्युलोक में खलास हो जाता है। जब खलास हो गया तो शिव कैसे कहेंगे? शिव तो सदा शिव है या कभी है कभी नहीं है? वो तो सदैव शिव है। तो वास्तव में ब्रह्मा की जो तीन मूर्तियां रखी हुई है भक्ति मार्ग में या बेसिक में उसको त्रिमूर्ति शिव नहीं कहेंगे। तीन मूर्तियों में संपन्न रूप नहीं है, फिर कहें विष्णु। विष्णु त्रिमूर्ति शिव कहें या नहीं कहें? अगर विष्णु को त्रिमूर्ति शिव कहें, विष्णु के स्वरूप को, जिसका अर्थ यह है कि नो विषय काल, विषय विकार है ही नहीं, ये भगवान का रूप है। अगर वही भगवान का रूप है तो भगवान पतित में आता है या पावन में आता है? और विष्णु, विष्णु तो पावन है, तो वो भी भगवान का असली स्वरूप नहीं हो सकता।
भगवान का जो असली स्वरूप है वो तो शंकर की मूर्ति के द्वारा लक्षित होता है। इसीलिए दुनिया में जितनी भी मूर्तियां मिली हैं, साकार विग्रह मिले हैं, उनमें सबसे जास्ती तादाद में कौन सा मिला है? शंकर का विग्रह मिला है, शंकर की मूर्ति मिली है। उसे साबित होता है जैसे कि निराकार लिंग सार्वभौम है, वैसे ही त्रिमूर्ति शिव शंकर भोलेनाथ भी सार्वभौम है। सारी दुनिया में उसकी मान्यता हुई है। कोई टाइम ऐसा जरूर रहा है कि सिर्फ भारत में ही नहीं, सारी दुनिया में उसकी मान्यता करने के लिए चाहे कोई भी धर्म का मनुष्य मात्र हो, उसकी बुद्धि में वो मान्यता बैठी है। तो त्रिमूर्ति शिव का जो रूप है, तीनों मूर्तियों में कौन सा हुआ? शंकर का ही रूप हुआ। तो अर्थ नहीं समझते हैं, त्रिमूर्ति बनाए तो देते हैं त्रिमूर्ति शिव। तुम बच्चे तो जानते हो कि ऊंच से ऊंच भगवान तो एक होगा या तीन होंगे? त्रिमूर्ति शिव कहते हैं तो क्या तीनों मूर्तियां ऊंच से ऊंच हो गई क्या? नहीं, कहते भी हैं देव देव महादेव, ब्रह्मा देव, विष्णु देव, और उन सबसे ऊंचा महादेव। तो जिसे महादेव कहते हैं वो देवताओं में बड़ा देवता है, भगवान भगवान नहीं। क्यों? भगवान नहीं है, भगवान देवता नहीं है? है? अरे भगवान भी तो देता है, भगवान देवता नहीं है? अरे भगवान कुछ देता है कि नहीं देता है? क्या देता है? तो ज्ञान मिल गया, घर बैठो जाके। अरे ज्ञान मिलने के बावजूद भी टेम्पल तो चाहिए या नहीं चाहिए? है? टेम्पल तो चाहिए, जिसे देख करके सारी जनरेशन आगे बढ़े। अगर सारी जनरेशन आगे नहीं बढ़ी है तो इससे साबित होता है कि ज्ञान तो है लेकिन वो सैंपल देखने में किसी को नहीं आता। जगदम्बा है, जगत पिता की शक्ति है। पहले नंबर में आगे कदम बढ़ाने वाली है तो उसे देख करके अनेकों तैयार होते हैं ना। पहले से क्यों नहीं तैयार हो गए? एक सैंपल होता है तो सैंपल के पीछे और भी तैयार होते हैं। तो ऐसे ही शिव बाप वो किसी को कुछ देता नहीं है, किसी से कुछ लेता नहीं। लेन देन का हिसाब उसका किसी भी मनुष्य आत्मा के साथ है या नहीं है? है? नहीं है। भगवान किसी को पाप अर्पण नहीं करता, भगवान किसी को पुण्य भी अर्पण नहीं करता, गुण भी अर्पण नहीं करता और अवगुण भी अर्पण नहीं करता। मुक्ति, जीवन मुक्ति का दाता कहा जाता है, परंतु जिसे भगवान सार्थक अर्थ में कहते हैं वो निराकार है या साकार है? भगवान तो
निराकार ही होता है, और वो जब तक निराकार है तब तक वो मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता साबित नहीं होता। तो जो देवताओं में बड़ा देवता है, महादेव कहा जाता है, आत्माओं में जो ऊंचे से ऊंचे है कौन? आत्माओं में ऊंचे से ऊंचे महादेव है। आत्माओं के बीच शिव, वो ऊंचे से ऊंचे शिव इब्राहिम के आधार में प्रवेश करेगा। जो नंबर दो का आधार है, ऊंच से ऊंच बाप ऊंच से ऊंच में आवेगा या कोई नीच में आवेगा? ऊंच से ऊंच में आवेगा। तो मनुष्य सृष्टि का जो ऊंच से ऊंच पार्टधारी हीरो पार्टधारी है, क्योंकि शिव तो हीरो नहीं बनता, उसमें प्रवेश करता है, और प्रवेश करने के बाद उसे पहले पहले नंबर में देवता घोषित करता है। तो देवता नाम क्यों रखा गया है? देवता है, उसमें अंश मात्र भी जब संपन्न स्टेज में संसार के सामने प्रत्यक्ष होगी वो मूर्ति, तो लेने का नाम निशान नहीं होगा, देने वाला होगा, किसी से लेने की इच्छा मात्रम अविद्या, इसलिए महादेव कहा जाता है। तो तुम बच्चे जानते हो कि ऊंच से ऊंच भगवान तो निराकार है, परंतु वो ऊंच से ऊंच कौन सा आधार लेता है? कोई नीच आधार लेता है नंबर वार, या ऊंच से ऊंच आधार लेता है? ऊंच से ऊंच का आधार लेता है। ऊंच से ऊंच है सुप्रीम सोल शिव। फिर कहेंगे ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर साकार दुनिया पर आते हैं, तो देवी देवता धर्म के सिवाय और कोई धर्म नहीं है जिसे हम कहें ऊंचे से ऊंचे। सृष्टि में भी पहले नंबर कौन है? देवी देवताएं। क्यों ब्राह्मणों को ऊंचे से ऊंचे न कहें? ब्राह्मण अभी भी ऊंचे नीचे होते हैं, और जब अंत में संपन्न स्टेज बन जाएगी तो ब्राह्मण नहीं कहे जावेंगे, फिर वो ब्राह्मण को देवता कहे जावेंगे। तो देवी देवता सनातन धर्म के सिवाय और कोई ऊंचे से ऊंचे धर्म नहीं है, ये तो समझ की बात है ना। भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूद है क्या है? तो ये समझ की बातें, बुद्धि से समझने की बातें तो हैं, लेकिन फिर भक्ति मार्ग जिसे बेसमझी का मार्ग कहा जाता है, जिस भक्ति मार्ग में बुद्धि को अप्लाई नहीं करते हैं, अंधश्रद्धा अंधविश्वास पूर्वक चलते रहते हैं, बुद्धि से राइट और रांग का निर्णय नहीं करते हैं, वो भक्ति मार्ग की भी ड्रामे में नूद है। वहां भी पहले पहले शिव की पूजा करते हैं, भक्ति मार्ग में भी धर्म तो बहुत हैं, सभी धर्मों में भक्ति मार्ग चलता है, अंधश्रद्धा चलती है, परंतु जो देवी देवता सनातन धर्म का विकृत रूप
द्वापर युग से शुरू होता है, पहले पहले सब धर्मों के बीच में वहां किसकी पूजा होती है? पहले पहले शिव की पूजा होती है। पूजा होती है, पूजा साकार की होती है या निराकार की होती है? याद निराकार की हो सकती है, लेकिन निराकार की पूजा नहीं हो सकती। क्या करते हैं भक्ति मार्ग में? पूजने वाले बेचारे जानते ही नहीं हैं कि जिस शिवलिंग को हम पूजते हैं वो निराकारी सेज पकड़ने वाला है। सदैव वो लिंग निराकार होता नहीं है, इसलिए लिंग की भी चार अवस्थाएं दिखाई है। स्वर्ण लिंग, रजत लिंग, ताम्र लिंग, लौह पत्थर लिंग। तो साकार की पूजा होती है, निराकार को याद किया जाता है, और याद असली भक्ति मार्ग में होती ही नहीं है। असली याद कहाँ होती है? ज्ञान मार्ग में असली याद होती है। क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग में जिसे भगवान कह करके याद करते हैं, अल्लाह या गॉड फादर याद करते हैं, रामकृष्ण कह करके याद करते हैं, उसके स्वरूप को निश्चयात्मक बुद्धि से जानते ही नहीं है। तो पहले पहले भक्ति मार्ग में भी पूजा तो करते हैं शिवलिंग की, भले जानते नहीं है। उसके बाद किसकी पूजा करते हैं? देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो ये सारी भक्ति की ही तो बात है, पूजा रचा करना। कोई भी कर्म कांड करना ये भक्ति की ही तो बातें हैं। बाकी तो समझ जाते हैं कि हमारा धर्म, हमारा मठ पंथ कब स्थापन होता है, दूसरे धर्म वाले तो समझ ही जाते हैं क्या कि हमारा धर्म है या हमारा मठ पंथ कब स्थापन हुआ, किसने स्थापन किया। देवी देवता सनातन धर्म के जो द्वापर युग से भक्त बनते हैं वो नहीं समझ पाते। सतयुग में तो होता ही है देवी देवता धर्म, और वहां इसका दूसरा कोई नाम नहीं है। कहां? सतयुग में दूसरा कोई नाम नहीं है। जैसे आर्य लोग कहते हैं कि हम तो आर्य हैं, हम बहुत पुराने हैं, वास्तव में तो पुराने से पुराना है देवी देवता सनातन धर्म, जिसको दैवी राजधानी कहा जाता है। तुम बच्चे जब झाड़ पर समझाते हो तो खुद भी समझ लेते हो कि हमारा धर्म फलाने समय पर आवेगा। कब समझ लेते हो? जब झाड़ पर दूसरों को समझाते हो तो तुम समझ लेते हो। तुम्हारी बुद्धि में भी पक्का निश्चय बैठ जाता है क्या कि हमारा धर्म देवी देवता सनातन धर्म जो है वो कब स्थापन हुआ। नहीं तो क्या समझते थे? अरे झाड़ के चित्र पर दूसरों को समझाने से पहले न खुद समझा था तब क्या समझते थे?
हिंदू धर्म है। और हिंदू धर्म कब स्थापन हुआ, किसने स्थापन किया, ये कुछ भी पता ही नहीं। अगर कोई बताते भी हैं तो कहते हैं राम, कोई कहते हैं कृष्ण, कोई किसका नाम लेते हैं, कोई किसका नाम लेंगे, पक्का पता किसी को नहीं पड़ता। अभी जो आज अनादि अविनाशी पार्ट मिला हुआ है वो तुमको बजाना है। क्या ऐसा पार्ट मिला हुआ है तुमको? आज तो अनादि, जिस पार्ट की आदि है ही नहीं। क्यों? पार्ट की आदि नहीं है, तुम्हारे पार्ट की आदि ही नहीं है। और धर्म वाले जो आत्माएं हैं उनकी आदि है या नहीं? उनकी आदि तो है, लेकिन फिर उसको अनादि है कहेंगे? उसको अनादि नहीं कहेंगे, आदि तो कहेंगे, लेकिन उन और धर्म वालों को अनादि नहीं कहेंगे। लेकिन तुम्हारा तुम्हारा आदि भी है और तुम्हारा पार्ट आदि भी है तो अनादि भी है, माने तुम पूरे 84 का चक्कर लगाते हो। इस पार्ट बजाने में कोई का दोष व भूल नहीं कहा जाता है। क्या जो बेचारे बीच में आए अथवा बिल्कुल अंत में आवेंगे, कीड़े मकोड़ों मिसल एक जन्म लेंगे और खलास हो जाएंगे पार्ट के हिसाब से, तो उनका दोष कहे है? उनका भी दोष दोष नहीं कहेंगे। ये अनादि अविनाशी पार्ट आत्माओं को मिला हुआ है, कोई का दोष नहीं है। ये तो सिर्फ समझाया जाता है। क्या क्या समझाया जाता है? दोष देते हैं ना, तो दोष देते पाप आत्मा हो, ये बड़ा पुण्य आत्मा है, तो कोई का गुण ही बता दिया और कोई को हाँ अब गुण देख लिया, तो क्या ये सही बात है? हैं? कोई पापात्मा कोई पुण्यात्मा ऐसे कहे नहीं। पापात्मा कह करके कोई के ऊपर दोष रखना ये भी अज्ञान की बात है, ये अज्ञान की बात है, ये भी अज्ञान की बात है। तुम कोई के ऊपर दोष नहीं रख सकते। मनुष्य कहेंगे कि हम तो बेहद के बाप के बच्चे ब्रदर्स हैं, जब हम बेहद के बाप के बच्चे हैं ब्रदर्स हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं, तो हम सतयुग के आदमी क्यों नहीं आते? हम मनुष्य लड़ाई लड़ेंगे कि नहीं? नहीं लड़ेंगे है? दूसरे धर्म के जो मनुष्य हैं वो लड़ाई लड़ेंगे कि हम आदमी क्यों नहीं आते। परंतु क्या कहेंगे? ड्रामा में और शास्त्र की बात नहीं, ड्रामा में उनका पार्ट ही नहीं है, इसलिए आने की आदि में आने की बात ही नहीं। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, तो इस ड्रामा में ही निश्चय रखो और कोई भी बात बोलो नहीं। चक्र भी दिखाया है कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, कैसे फिरता है सृष्टि भी, पहले सतो प्रधान फिर रजो प्रधान फिर
होता वो प्रधान? चार युगों से सारी सृष्टि पसार होती है और सृष्टि के अंदर सब कुछ है, तो जो भी कुछ सृष्टि के अंदर है वो भी चार अवस्थाओं से पसार जरूर होता है। तो समझा सकते हो चक्र में कि ये चक्र कैसे फिरता है? ओम शांति।